भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज मैच का तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 69 रन बना लिए थे। तब पुजारा 29 और मयंक अग्रवाल 38 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तीसरे दिन पुजारा और मयंक अग्रवाल ने मिलकर टीम के लिए अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने शतकीय साझेदारी पूरी की। भारत को पहला झटका मयंक अग्रवाल के रूप में लगा, जिन्होंने 62 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और एक छक्का भी शामिल था। मयंक अग्रवाल को एजाज पटेल ने आउट किया। इसके बाद टीम के खाते में 8 रन जुड़े ही थे कि पुजारा भी एजाज पटेल का शिकार बन बैठे। पुजारा ने 47 रनों की पारी खेली और वो अर्धशतक से मैच 3 रनों से चूक गए। लगातार दो झटकों के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर टीम को संभाला और दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी भी पूरी की। विराट कोहली 36 रन बनाकर रचिन रविंद्र का शिकार हुए। वहीं शुभमन गिल ने भी 47 रनों की पारी खेली। वहीं अक्षर पटेल ने 26 गेंदों में ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी खेलकर टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। उनकी इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। वहीं श्रेयस अय्यर ने 14, रिद्धिमान साहा ने 13 जबकि जयंत यादव ने 6 रनों की पारी खेली। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 540 रनों का विशाल सा लक्ष्य रखा था। 540 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान टॉम लेथम 6 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद विल यंग और डार्ले मिचेल ने मिलकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन 20 रन के निजी स्कोर पर विल यंग अश्विन का शिकार हो गए। वहीं रॉस टेलर को भी अश्विन ने 6 रन के स्कोर पर चलता कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। डार्ले मिचेल और हेनरी निकलस ने मिलकर 73 रनों की साझेदारी कर टीम को संकट से निकालने की कोशिश की। इसके बाद गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने 60 रन बनाकर खेल रहे मिचेल को कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड को चौथा झटका दे दिया। वहीं 1 रनों के बाद टॉम ब्लुंडेन रन आउट हो गए और भारत को 5वीं सफलता मिली। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट गंवाकर 140 रन बना लिए हैं। तब हेनरी निकलस 36 और रचिन रविंद्र 2 रन बनाकर नाबाद हैं। बात करें अगर भारतीय गेंदबाजी की तो भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट रविचंद्रन अश्विन को मिले हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए हैं। वहीं अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला है जबकि 1 खिलाड़ी रन आउट हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।